तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से भोजपुरी सॉन्ग को रिमिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक सॉन्ग ले लिया है जो खेसारी लाल जी का सॉन्ग है और इस समय बहुत हिट चल रहा है, लहंगा लखनऊआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी सॉन्ग पर मैं आप लोगों को आज मिक्सिंग करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सॉन्ग को ले लिया है और उसका जो BPM है यहाँ पर मैंने इतना सेट कर दिया है, इसका 136 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका BPM क्रूज डीजे में इतना ही बता रहा है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये रहा क्रूज डीजे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 136 दिखाई दे रहा है, तो इतना आपको सेट कर देना है। तो मैंने तो सेट कर दिया है, उसके बाद से क्या करूँगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले गाना को थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम इस पर पैटर्न बनाएंगे और मिक्सिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया है। क्या करेंगे अब, इसको यहाँ से इतना कट कर देंगे और इसका जो ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लाकर सेट कर देंगे और कोने पर चुमुक का जो आइकन है उसको ऑन करेंगे और इसको परफेक्ट लाकर यहाँ पर मैंने बैठा दिया। उसके बाद से फिर से इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से कुछ इस प्रकार से कर देंगे। ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्लस के आइकन ले लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रम IQ उसको ले लेंगे और यहाँ पर ग्राफिक IQ। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लोकर दूस है, ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, देख लीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, इसको भी इतना घटा देंगे, इसको थोड़ा सा। फिर से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ग्राफिक क्लिक लेंगे और इसको घटा देंगे और इसको भी इतना घटा देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक हट चुका है, सुन लीजिए एक बार और ध्यान से, और आपको अच्छी तरीके से ना सुनाई दे इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे। अब क्या करेंगे, हम पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए, पैटर्न कहाँ से बनाएंगे सुन लेते हैं। यहाँ से हमारा पैटर्न बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर ऑडियो क्लिप है इस पर, उसके बाद से हम किक ले लेंगे। मैंने आप लोगों को किक दिया था तो किक को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस किक को मैंने ले लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से ड्रम्स पर क्लिक करेंगे और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रम्स बना कर रखा है तो उस ड्रम्स को हम ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ पर किक लगाएंगे, किक नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग ढोल को लगाएंगे। ये रहा ढोल, तो ढोल को जो लगाया जाता है 4 नंबर पर लगाया जाता है, 1 2 3 4, 4 पर लगा देंगे, फिर से डिलीट कर देंगे, यानी काले के चौथे पर और सफ़ेद के चौथे पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद से यहाँ पर हुक जो है ये वाला, इसको हम लगाएंगे कहाँ पर, सफ़ेद के तीसरे पर और सफ़ेद के तीसरे पर, ये हो गया। और ये कुछ इस प्रकार से थंब है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 स्टेप यहाँ पर फिल 4 पर करेंगे, फिल पर, और इसको साउंड को कुछ इतना मनमैज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस झनकार को लगा देंगे, ये वाला, तो ये वाला झनकार जो लगता है काले के तीसरे पर सफ़ेद के तीसरे पे, काले के तीसरे पर और सफ़ेद के तीसरे पर आपको गिन कर लगा देना है। ये तो हमारा अंदर का पैटर्न हो बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ला देंगे, इसको यहाँ पर बैठा देंगे, उसके बाद से इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर दोनों को फिर से कॉपी करेंगे, सॉरी दोनों को यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यानी यहाँ से देखिए 6 नंबर से 7 नंबर के बीच में हमारा एक पैटर्न बन गया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ से क्लोन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लोन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोन चैनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको डबल कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके इसको साउंड को थोड़ा कम कर लेंगे एक किक का।
उसके बाद से ये हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुन लेते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी लाल जी का सॉन्ग है और बहुत चल भी रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो आप लोगों को बनाकर बता दूँ किस प्रकार से आप मिक्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए सुन लीजिए। तो ये बहुत परफेक्ट बन चुका है, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी पैटर्न को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे और एडिट पे चले जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर इस चीज़ को लगा देंगे, इसको, ये हो गया, ये हमारा दूसरा भी पैटर्न बन चुका है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और आगे तक पेस्ट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम नहीं ना है, यहाँ पर ब्रेक नहीं ना मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है ब्रेक। तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर जो स्लो लिखा हुआ है, स्लो पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो केवल आपको गाना ही सुनाई देगा, पैटर्न नहीं सुनाई देगा, इसलिए कि आपको जो भी पैटर्न बनाना है आप स्लो पर क्लिक करके आपको समझ लेना है, उसके बाद से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी में ढोल भी लगा सकते हैं या टम भी लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम क्या करेंगे, टम का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर टम यहाँ पर होगा, देख लीजिए, आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो पैटर्न बनाया जा रहा है, फर्स्ट वाला तो जो पैटर्न, ये वाला, इस पर भी आप बना लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लूप्स है, डफली लूप्स डफ बोला जाता है, तो उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर जाने जाकर, इसको मैंने लगा दिया। चलिए, यहाँ पर मैंने लाया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया, देखते हैं कैसा बजता है। स्लो है तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, यहाँ पर आपको परफेक्ट बैठाना पड़ेगा। ये बैठ चुका है, इसके अगर इसको डबल कर लेंगे, हार्ड करने के लिए डबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो चुका, अब आगे देखते हैं ये वाला। चलिए इसको बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, दो ही हमारा किक लग रहा है, एक यहाँ पर गिरा है, एक यहाँ पर गिरा है, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको स्लो पर क्लिक करके, स्लो पर क्लिक करके आपको सुन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर घुंघरू लगेगा, यहाँ पर दो किक छूट रहा है, वहाँ पर घुंघरू को लगा देंगे। देखिए, एक यहाँ एक यहाँ, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार से ढोल लगा देंगे कि यहाँ एक यहाँ, और ये वाला नहीं लगाएंगे, ये लगा देंगे। इसको लगा सकते हैं या और कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे इसको मैंने इस कुछ इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थंब को भी हम लगा देंगे फोर स्टेप। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, इस झनकार को भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर करके कुछ इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, अब सुनिए, अब बच चुका है, अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करके आगे तक लेते जाएंगे।
ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला पैटर्न हमने लोगों ने बनाया था उस पैटर्न को कॉपी कर देंगे, आगे तक वही पैटर्न चलेगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और ले जाकर आगे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल जो हमने पहले लगाया था ये वाला, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मैंने इसी को लगा दिया यहाँ पर, यहाँ से ये चले गया, तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसको काट कर देना है, यानी यहाँ तक हमारा चल रहा है ये पैटर्न। अब क्या करें, यहाँ पर जो चल रहा है वो हमारा जो दूसरा पैटर्न हम लोगों ने यहाँ बनाया था, ये वाला, इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद से आगे पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके अंदर जो गैप बच रहा है यहाँ पर, जो ब्रेक, इसको आपको छोड़ देना है, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने कोई ब्रेक एक लगा देता हूँ, इस पर गए और यहाँ पर ब्रेक है, तो कोई भी ब्रेक मैं लगा देता हूँ, आप अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। इसको मैंने लगा दिया और इसको मैंने क्या किया, क्लोन किया और यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल लगा दिया। आप सुनिए, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर कॉपी पेस्ट। इसी प्रकार से गाना बनाया जाता है, कोई गाना बनाने में कोई ज़्यादा लेम झेम नहीं है। और आप लोग भी कमेंट में बोलिए किस गाने पर मैं आप लोगों को मिक्सिंग करना सिखाऊं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली इस पैटर्न को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके अंदर से कुछ एडिट कर देना है, जैसे यहाँ पर दो चार ढोल लगाए, इसमें दो ढोल को लगा देना है, दो ढोल को हटा देना है। अब कौन कौन मैंने ढोल हटाया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस ढोल को हटा देना है और इस ढोल को, ठीक है, मैंने सफ़ेद वाले के ढोल को हटा देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ ब्रेक। ब्रेक को कल आपको सुनना पड़ेगा और समझ लीजिए। तो यहाँ पर चलिए इस पर एडिट पे गया और उसके बाद से यहाँ पर मैं टर्म पर क्लिक किया, एक यहाँ पर लगा दिया और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये नहीं, अभी नहीं हुआ, फोर नहीं, आल कुछ इसमें कर देना है और इसको लगा देना है, इसको हटा देना है। अब सुन लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है और यहाँ पर इस ढोल को यहाँ पर एक यहाँ पर डाल देना है, हो चुका। और क्या करना है, ये वाला जो हमने पैटर्न, ये वाला जो है, ये जो बनाया था दो नंबर पैटर्न, इसको यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से कर देना है, जैसे कि उसके पास ये पैटर्न चलेगा, इस सुई को लगा देंगे तो हो जाएगा। देखिए
अब यहाँ से इसको काट कर देना है, यानी कट कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब फिर से कौन पैटर्न चलेगा, जो ये पैटर्न, इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम अब चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा पैटर्न लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है वो अलग है। तो यहाँ पर मैं जो पैटर्न यूज करूँगा कुछ इस प्रकार का यूज करूँगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये वाला पैटर्न सुन लीजिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद से इसको, इसमें तो दो ही किक है, यानी इसमें चार लगा देंगे ढोल, सॉरी ढोल को मैंने जो हम लोगों ने दो हटाया था वो इसे यहाँ पर मैंने लगा दिया और उसके बाद से पेस्ट किया। अब क्या क्या है यहाँ पर, यही चलेगा ये वाला पैटर्न, ये वाला, ये सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने पेस्ट कर कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया यहाँ पर। देखिए अब सुनिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप मिक्सिंग कर सकते हैं। आपने, मैं आपको, मैंने बता ही दिया कि गाना को और ब्रेक अंतरा मैंने सभी को आपको मिक्स करके दिखा दिया। तो कुछ इस प्रकार से आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और बताइए कि किस गाने पर मैं आप लोगों को मिक्सिंग करना सिखाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।